फ्रेंड्स, मैं हूं अमरजीत। हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज G24 में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि RRB NTPC में जो भी फीस आप पेड किए थे उसमें फ़ीस को रिफ़ंड कैसे करना है ऑनलाइन, वो भी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब उसमें उस समय जो फॉर्म भरे थे उस समय किसी का हो सकता है अकाउंट नहीं होगा तो दूसरे अकाउंट का भी यूज किए थे, लेकिन अब क्या करना है, अब यहाँ पे जो भी अकाउंट में रुपया लेना है उस अकाउंट में आप ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अब हम स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए क्या करना है आपको, पहले यहाँ पे आपका जो रोल नंबर होगा उसको डाल लेना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है यहाँ पे, और इस OTP के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो चलिए हम क्लिक करके देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ अपना देखिए डाल चुके हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या करना है, OTP के लिए यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही OTP के लिए क्लिक करेंगे हम लोग तो देखिए ऐसा ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको फिर से मांगेगा यहाँ पे मैट्रिक का रोल नंबर और फादर्स नेम। तो चलिए हम लोग फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम इस तरह अपना फादर्स नेम यहाँ पे कैप्चा कोड डाल चुके हैं। यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। योर प्रीवियस लॉगिन डिटेल्स स्टोर इन ब्राउजर हिस्ट्री, रीओपन योर ब्राउजर। ठीक है, तो हम पहले से ही कर चुके हैं, तो चलिए हम वहाँ से लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह आपका ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बैंक नेम डाल लेना है, यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम डाल लेना है, यहाँ पे IFSC कोड डालना है, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, और यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर, फिर ब्रांच नेम डालना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम फिलअप कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह हम यहाँ पे अपना फिलअप कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, जो भी आप यहाँ पे फिलअप किए हैं आपका टोटल डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं सही है या रॉन्ग है। सही होने के बाद आप यहाँ पे कंफर्म एंड सबमिट कर सकते हैं, अगर गलत होने पे यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा सही है, इसलिए हम कन्फर्म एंड सबमिट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन को सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद कंफर्म एंड सबमिट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका लिखा चुका है यहाँ पे बैंक डिटेल्स सेव सक्सेसफुली। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं और यहाँ से आप लॉग आउट हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम क्लोज कर देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।